दोस्तों, ये जो फल आप देख रहे हैं, क्या आप इसका नाम और इसके औषधीय गुणों के बारे में आप जानते हैं? यदि नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको कमरख या स्टार फ्रूट के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या क्या इसको खाने से लाभ है और किन किन बीमारियों को यह अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने से कम कर सकता है। स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए हमेशा फलों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि फलों के जरिए विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक फल जिसे कमरख या स्टार फ्रूट के नाम से जानते हैं। यह फल उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि आम, अमरूद, सेब जैसे फल हैं, लेकिन कभी न कभी आपके नज़रों से ये फल जरूर गुजरा होगा। और आप यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपके इसके औषधीय गुणों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। इसका उपयोग, इसको खाने से क्या-क्या फायदे हैं, साथ ही हम जानेंगे कि यह किस तरह से हमारी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है। कमरख फल को स्टार फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। जब इसे छोटे-छोटे हिस्सों में काटा जाता है तो यह तारों के आकार की तरह दिखता है, इसी कारण इसे स्टार फल के नाम से जाना जाता है। इसका फल पीले रंग का होता है और स्वाद में हल्का खट्टा होता है। कमरख फल के औषधीय गुण आपके स्वास्थ्य को विभिन्न प्रकार से फायदा पहुंचा सकता है। इस फल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह आपके पाचन स्वास्थ्य से लेकर स्ट्रोक और हृदय रोग से बचाए रखने के काम आता है। इस फल की पत्तियां भी पेट के अल्सर को ठीक करने के काम आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि इसको खाने से क्या-क्या हमें लाभ मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यह त्वचा को खूबसूरत बनाता है। त्वचा को चमकदार बनाने के लिए कमरख का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल कमरख में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। विटामिन सी का सेवन त्वचा के रंग को निखारने के काम आता है। इसके साथ ही यह बालों को काला और घना बनाने में भी सहायता करता है। बालों के विकास के लिए भी कमरख के फायदे आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। कमरख में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बाल जड़ से मजबूत होते हैं और उन्हें विकसित होने में मदद मिलती है। इसके साथ ही रूसी की समस्या को खत्म करने के लिए भी कमरख का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि रूसी को खत्म करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। कमरख में भी जिंक पाया जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह देखा गया है कि जिंक युक्त शैम्पू का प्रयोग करने से रूसी की समस्या को खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही डायबिटीज के पेशेंट के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण फल होता है। कमरख में न घुलने वाले फाइबर होते हैं जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट की खपत को कम करने में मदद कर सकता है। कमरख का रस खून में ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को काफ़ी मात्रा में कम कर सकता है और इंसुलिन के स्तर को बढ़ा सकता है। इन खोजों से पता चलता है कि डायबिटीज को ठीक करने में यह काफ़ी मददगार हो सकता है। फल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कमरख की पत्तियों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और फिनाल फ्लावोनाइड जैसे बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट, पेरोक्साइड और हाइपरऑक्साइड जैसे फ्री रेडिकल की सफाई करने में मदद कर सकते हैं और शरीर में सूजन पैदा करने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मदद करता है। एक अध्ययन से पता चला है कि कमरख शरीर में लिपिड के स्तर को कम करता है, साथ ही लीवर कोलेस्ट्रॉल में कमी करके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को काफ़ी कम कर देता है, जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग विकसित होने से रोका जाता है। उच्च मात्रा में फाइबर और कम मात्रा में फैट होने की वजह से यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। हार्ट पेशेंट के लिए भी कमरख का जो फल होता है वह काफ़ी उपयोगी माना जाता है। कमरख में अच्छी मात्रा में सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और दिल की धड़कन और रक्त प्रवाह ठीक करने में मदद कर सकता है। कमरख में मौजूद कैल्शियम धमनियों को आराम देने और दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसे दिल के रोगों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी कार्य करता है। कमरख में विटामिन सी होता है, जो न काल फ्री रेडिकल की सफाई करने में मदद कर सकता है, बल्कि उच्च मात्रा में WBC का उत्पादन भी करता है और एक मजबूत इम्यून सिस्टम बनाने में मदद कर सकता है। और इसका जो अगला महत्वपूर्ण फायदा है वो है कैंसर के संभावित विकास को रोकने में काफ़ी मददगार साबित होता है। कमरख का सेवन करना कैंसर होने के जोखिम को कम करने में फायदेमंद हो सकता है। कमरख प्रो एंथोसाइनिन जैसे पॉलीफेनोल्स, गैलिक एसिड और विटामिन सी मौजूद होते हैं और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का काम कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट पेरोक्साइड और हाइपरऑक्साइड की सफाई कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम में सहायक हो सकते हैं और साथ ही शरीर में टॉक्सिन को दूर कर सकते हैं, जो कैंसर में फायदेमंद हो सकता है। कमरख का रस ट्यूमर सेल को कम कर सकता है और ट्यूमर यील्ड और बर्डन में कमी ला सकता है और साथ ही स्वस्थ सेल की वायबिलिटी, जीवन काल को यह बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। दोस्तों, ये तो कमरख खाने के फायदे हैं, लेकिन कमरख को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं इसको, इसे जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि औषधीय गुणों से भरपूर इस फल का सेवन हम कैसे कर सकते हैं, किन-किन तरह से इसको हम खा सकते हैं। कमरख को ऐसे ही फल के तौर पे काट कर खा सकते हैं। कमरख का जूस निकाल कर इसका सेवन कर सकते हैं। इसे सूप के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फ्रूट सलाद के रूप में कमरख का सेवन किया जा सकता है। कमरख को बतौर बहुत सारे लोग चटनी के रूप में भी खा सकते हैं। कमरख को सुखाकर इसका चूर्ण भी बना सकते हैं और इसके अलावा कमरख को अचार बनाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है। कब खाना है, कैसे खाना है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको जानना चाहिए। कमरख को सुबह फल के रूप में और शाम को सूप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और डिनर में आप इसे फ्रूट सलाद की तरह प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारीपूर्ण होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी कुछ नया सीखे होंगे।
यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और नए विषय और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।